हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आप लोग का स्वागत है चैनल पे। और आज हम पढ़ेंगे इश्यू एडवेंचर्स का टॉपिक अदर देन कैश। और आज का जो हमारा लेक्चर है वो लेक्चर नंबर है 16 करंट सीरीज का, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 3 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में आ सकता है, और इसका ऑप्शन में कोई क्वेश्चन आता लगवाता पर आ सकता है, तो वेरी इंपॉर्टेंट। 8 नंबर का आपका ये चैप्टर है, और जिसमें से 3 नंबर यहाँ से आपको दिलाएंगे। तो टॉपिक्स बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि पुराना है, क्योंकि आपने शेयर्स में पढ़ा है अदर देन कैश, वही सेम टॉपिक यहाँ पे भी अदर देन कैश है। सारी बातें वही पढ़ी जाएंगी, मैं एक-एक करके डिस्कशन करता हूं, आपको थोड़ा सा रिकॉल हो जाएगा फर्स्ट टर्म का। तो टॉपिक आपका अदर देन कैश की अगर हम बात करें तो देखो इसमें क्या था अदर देन कैश, आपको याद हो तो अदर देन कैश में क्या होता था कि हम एक एसेट्स खरीदते थे और पेमेंट के तौर पे क्या करते थे, डिबेंचर इशू करते, शेयर इशू करते थे वहां पे। तो यहां पे हम क्या करेंगे, डिबेंचर इशू करते, बस यही है। तो मतलब दो एंट्री होगी, पहली एसेट्स खरीदने की, यानी एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर, और दूसरी एंट्री होगी आपकी वेंडर अकाउंट डेबिट, शेयर की जगह डिबेंचर देंगे तो परसेंटेज डिबेंचर, अगर प्रीमियम पे देंगे तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, और डिबेंचर हमने पढ़ा डिस्काउंट पे भी हो सकता है, तो डिस्काउंट होगा तो डेबिट हो जाएगा, और अगर हमने कैश चेक अगर कुछ पेमेंट की होगी तो ये आ जाएगा। तो अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो ये सेम टॉपिक है जो आपने शेयर्स में पढ़ा है, बस यहाँ पे हम शेयर्स की जगह डिबेंचर्स दे रहे हैं, तो बस नाम डिबेंचर्स का लिखना, बाकी कॉन्सेप्ट पुराना वही है। मैं भी आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा, आपको सेम ऐसा ही दिखेगा। तो एक तो सीधा है कि एक एसेट्स खरीदो, दूसरा आपको याद होगा शेयर्स में पढ़ा कि जहाँ पे हम एसेट्स और लायबिलिटीज खरीदते थे, तो यहाँ पे भी क्वेश्चन आएंगे जहाँ पे हम एसेट्स और लायबिलिटीज खरीदेंगे। तो उसमें दो कंडीशन थी, एक जहाँ परचेस कंसिडरेशन गिवन होता था, एक जहाँ पे परचेस कंसिडरेशन गिवन नहीं होता था। तो अगर परचेज कंसिडरेशन नॉट गिवन था, तो जैसे एग्जाम्पल फॉर हमने एसेट्स खरीदे 10 लाख के और लायबिलिटीज खरीदे 2 लाख के, तो पेमेंट अगर नहीं दिया होता था तो वेंडर की पेमेंट निकलती थी 8 लाख बैलेंसिंग फिगर। पहली कंडीशन तो ये थी जब नॉट गिवन था, तो 10 के एसेट्स 2 की लायबिलिटीज, तो 8 लाख के पेमेंट हो गए। और दूसरी कंडीशन थी जहां पे पेमेंट दिया हुआ था, एग्जाम्पल फॉर एसेट दे रखा आपको 10 लाख, लायबिलिटीज दिया 2 लाख, और पेमेंट आपको अलग से दिया हुआ है 2, वेंडर की पेमेंट देखिए 7 लाख। तो कभी भी परचेस कंसिडरेशन या पेमेंट गिवन होता था तो उसमें क्या होता था, मैच नहीं करता था। तो याद होगा आपको डेबिट में बचता था तो हम लिखते थे गुडविल, और क्रेडिट में बचता था तो कैपिटल रिजर्व। तो ये वो वाला कॉन्सेप्ट याद होगा आपको शेयर्स में, वो सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पर आएंगे अदर देन कैश के अंदर। हम अभी कुछ क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे, आपको पूरा याद आ जाएगा, रिकॉल हो जाएगा कि टॉपिक सेम वैसा ही है जैसा आपने शेयर्स में पढ़ रखा है। ठीक है, तो करते स्टार्ट। आपको ओवरव्यू मैंने दे दिया शेयर्स डिबेंचर्स के बारे में, और आपके दिमाग में एक्सपेक्टेशंस और इमेज भी क्लियर हो गई होगी कि हाँ सर, ये जो टॉपिक आप कराने वाले हैं एकदम शेयर्स जैसा ही मिलने वाला है, वैसा ही मिलेगा। देखते हैं कुछ क्वेश्चंस मैं लेके आपके लिए, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन। देखो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो काम होता है वो होता है क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना। तो अगर आप इस क्वेश्चन को देखो क्या क्या लिखा हुआ है, तो क्वेश्चन में लिखा गया है अनन्या लिमिटेड ने क्या किया, परचेज किया है 2 लाख का बिजनेस, 2 लाख का पहली पार्ट आपको बताएगी 2 लाख में खरीदा, बताया नहीं क्या क्या खरीदा था, सिंपल करके सन्ड्री एसेट्स, तो सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट, और अनन्या ने खरीदा किससे, उसका नाम तो दिया नहीं है, तो डेट इज वेंडर, तो 2 लाख का बिजनेस खरीद लिया, तो पहली एंट्री तो हो गई 2 लाख से। अब पेमेंट के लिखा गया है कि 65,000 पेड बाई चेक एंड बैलेंस 9% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%, यानी जो पेमेंट है वो कुछ इस तरीके से है, 2 लाख की पेमेंट को हमने कुछ टुकड़ों में करा है। तो याद होगा उसके लिए हम बनाते थे वर्किंग नोट, बना लेते अमाउंट ड्यू टू वेंडर जो है वो कितना देना है आपको, 2 लाख रुपए देना है, चेक से पे किया, और चेक से जो हमने पे किया वो 65,000 की पेमेंट करी है, तो 135 बच गया। ठीक है, मतलब हमें करना था 2 लाख की पेमेंट, जिसमें से 65,000 हमने चेक से पे कर दिया, तो 1,35,000 की और पेमेंट कर दी, जिसके बदले हम डिवेंचर दे रहे जो 100 का एक है 10% डिस्काउंट, तो फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर कितने का भाई, 100 का, डिस्काउंट है तो माइनस हो जाएगा जैसे प्रीमियम प्लस होता था, यानी हम एक डिवेंचर 90 के रेट से इशू कर रहे हैं, इशू प्राइस पता चल गया आपको। हम निकाल लेंगे नंबर ऑफ डिवेंचर इशू, तो देखो 1,35,000 रुपए देना है और एक डिवेंचर 90 के रेट से, यानी 1,500 डिवेंचर आ गया। आपको देखो सर ये वर्किंग नोट सेम शेयर जैसा दिख रहा है, तो सेम ही है ये टॉपिक शेयर जैसा ही है, बिल्कुल ये हो गया। अब इसकी आपको एंट्री करके दिखा देंगे, 2 चेक से दिया तो बैंक कितना दिया भाई, तो 65,000, 2% 9% डिवेंचर, तो कितने डिवेंचर दिए, 1,500, और डिवेंचर की फेस वैल्यू यहां आएगी
तो 100 रुपए यानी 150,000 और आपके पास क्या भाई डिस्काउंट, तो जैसे प्रीमियम क्रेडिट होता था डिस्काउंट हो जाएगा, डेबिट पे डेबिट कर देंगे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। कितने डिवेंचर 1500, एक पे डिस्काउंट कितना 10, तो 1500 × 10 15,000 का डिस्काउंट। देखो इसी के साथ आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। मैं दोबारा रिकॉल करा दो, देखो क्या था क्वेश्चन कि हमने 2 लाख का एसेट्स खरीदा तो पहले एंट्री हो गई एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर 2 लाख, पेमेंट के तौर पे 65,000 चेक से दिया, बाकी के बदले 100 रुपए वाला डिवेंचर दिया 10 के डिस्काउंट पे। तो देखो ये रहा वर्किंग नोट, आप इसके स्क्रीनशॉट लेना पूरे क्वेश्चन का, आराम से ले लो। तो अब देखो तो अगर ले लिया 2 लाख पेमेंट करनी है, 65 दिया चेक से पेमेंट, तो बच कितना गया 135 और 135 के बदले डिवेंचर दिया 90 वाला, तो डिवाइड किया तो 1500 डिवेंचर्स आ गए। ये फिर हमने दूसरी एंट्री पास कर दी। मेरे हिसाब से आपको कोई डाउट नहीं होगा, एकदम बिल्कुल शेयर जैसे दिख रहा ना आपको, वेरी गुड। आगे देखते हैं एक और, देखो ये जो दूसरा क्वेश्चन है ये वो है जहां पे एसेट्स और लायबिलिटीज खरीद रहे हैं और परचेज कंसिडरेशन देख लेते हैं दिया है नहीं दिया, तो पढ़ने से आपको पता चल जाएगा। तो क्वेश्चन अगर आप देखो तो लिखा हुआ है परचेज किया एसेट्स 4 लाख का एंड टुक के लायबिलिटीज ऑफ 50,000 फ्रॉम मोहन ब्रदर्स। देखो मोहन ब्रदर्स से हमने 5 लाख 4 लाख के एसेट्स खरीदा और 50,000 की लायबिलिटीज खरीदी। तो ध्यान रखना एसेट्स लायबिलिटीज में दो तरह के क्वेश्चन आएंगे, एक जहां पे परचेज कंसिडरेशन गिवन होगा, दूसरा जहां पे परचेज कंसिडरेशन नॉट गिवन होगा। तो यहां देखो आगे लिखा हुआ साफ सुथरा, द परचेज कंसिडरेशन सेटल एट 380, परचेज कंसिडरेशन गिवन है 3,80,000, पेमेंट कैसे करना है तो डिवेंचर दिया 100 वाला, 3 अलग अलग कंडीशन पार पे डिस्काउंट पे प्रीमियम पे। तो देखो पहली एंट्री एसेट्स खरीदा, फर्स्ट एंट्री तो कर लेते हैं एसेट्स अकाउंट डेबिट, कितने का एसेट्स भाई तो 4 लाख का एसेट्स, टू लायबिलिटीज कितने के लिए तो 50,000 की लायबिलिटीज, और परचेज कंसिडरेशन आपको गिवन है तो मोहन को कितना देना है ये भी आपको बता रखा है, मोहन ब्रदर्स को कितना है 3,80,000। एक बात ध्यान रखना जब भी आपको परचेज कंसिडरेशन दिया होगा तो डेबिट या क्रेडिट में बचेगा, क्रेडिट में बचता था तो कैपिटल रिजर्व और डेबिट में बचता था गुडविल। यहां अगर क्वेश्चन देखो तो डेबिट में बचा तो क्या निकल जाएगा आपका गुडविल आ जाएगा कितना 30,000 रुपए का, वही अगर डेबिट की जगह क्रेडिट बच जाता तो क्या निकल जाता आपका तो आपका निकल जाता कैपिटल रिजर्व। ये टॉपिक भी आपको याद होगा, वही अगर परचेज कंसिडरेशन गिवन नहीं होता तो 4 लाख से 50,000 आते तो 3.5 लाख की पेमेंट हो जाती, बट गिवन है तो ध्यान रखना जब भी गिवन होगा तो गुडविल या कैपिटल रिजर्व आपका निकलेगा, जैसे इस क्वेश्चन में गुडविल निकला है, वही अगर क्रेडिट में बचता तो आपका कैपिटल रिजर्व निकलता। याद आ गया होगा आपको टॉपिक मेरे हिसाब से। अब पेमेंट करा, देखो पहली कंडीशन पार पे है तो मोहन को आपको देना है 3,80,000। देखो पार की अगर बात करूं तो 3,80,000 देना और एक डिवेंचर 100 के रेट से दिया तो 3800 डिवेंचर हो गया, तो सीधा आ जाएगा 2 कितना परसेंट डिवेंचर से आपका भाई कुछ भी परसेंटेज डिवेंचर 3,80,000। मेरे हिसाब से आपको पहले एक पॉइंट में कोई दिक्कत नहीं। दूसरा कंडीशन देखो क्या है, मोहन को देना आपको 3,80,000 लेकिन आप दे रहे हो 3,80,000 के बदले 10% डिस्काउंट यानी 90 के रेट से दिया होगा कैश वेस्ट है, तो 3,80,000 डिवाइड बाय 90, देखो डिवाइड किया तो पता कितना आ रहा है 4222.222। देखो एक बात ध्यान रखना कभी भी पॉइंट में तो आप डिवेंचर नहीं दे सकते, तो कभी पॉइंट में अगर ऐसी कंडीशन आ जाए डिवेंचर या शेयर्स में, शेयर्स ऑफ आएगा नहीं डिवेंचर ही आने वाला आपका सेकंड टर्म में, तो पॉइंट्स में आप नहीं दे सकते तो पॉइंट से पहले वाला दे दोगे मतलब 4222 दे दोगे और जो बाकी पैसा बच जाएगा उसके बदले हम जो भी 20, 50, 60, 100 रुपए जो भी होगा वो कैश पेमेंट कर देंगे। देखो मैं दिखाता हूं आपको, तो 2% डिवेंचर 4222 × 100 तो 4222 00 और प्रीमियम आ जाएगा 2 से डिस्काउंट है डेबिट हो जाएगा डिस्काउंट 4222 × 10 तो 4222 00। अब देखो जोड़ू अगर मैं 3,80,000 प्लस 4230 माइनस 4222 00 तो देखो क्रेडिट में बच रहा है बैलेंस कैश या बैंक कितना 20 रुपए। वैसे तीसरे केस में जब करूंगा ना तो 3,80,000 डिवाइड बाई 110 करूंगा तो यहां भी पॉइंट में आएगा इतना 3,80,000 पेमेंट करनी है और प्रीमियम यानी 110 तो आ रहा है 3454.54 तो ये तो देना नहीं है तो 3454 डिवेंचर दे देंगे और बाकी जो भी 50-60 रुपए रह जाएगा वो कैश से पेमेंट हो जाएगी। तो ये कंडीशन है आपकी अदर देन कैश वाली। इसमें देखो दो चीजें कि आपने अगर परचेस कंसिडरेशन गिवन है ठीक है तो आपका गुडविल या कैपिटल रिजर्व निकलेगा, नहीं गिवन होता तो बैलेंसिंग फिगर आपका पेमेंट निकलता और फिर दूसरी पेमेंट की एंट्री आपको कर देनी है वो वैसी होगी जैसे पहले होती थी। इसकी भी आप फोटो ले सकते हो देख लो आराम से लो। एक अच्छा क्वेश्चन था ये, ऐसे आप सारे क्वेश्चन करना कोई परेशानी आती है तो मैं हूँ यहाँ पे आपके लिए। और देखते कुछ
एक बार डिस्कशन कर लेते क्वेश्चन, मैं कराऊंगा नहीं, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा बता दूं क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंट था क्वेश्चन, तो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ इस पॉइंट को डिस्कस करना चाहिए, तो सिर्फ डिस्कशन कराऊंगा, क्वेश्चन आप लोग करोगे आपसे हो जाएगा। बात आती है कि ये क्वेश्चन मैंने क्यों उठाया, इसमें एक्स्ट्रा क्या है, तो देखो अगर आप इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से, यहाँ पे दो दो वैल्यू दी है, बुक वैल्यू एग्रीड वैल्यू। आप ध्यान से समझना, सपोज कर मुझे कैलकुलेटर बेचना है, मैंने ऑफर किया देखो ये कैलकुलेटर खरीदोगे 200 रुपए का, दैट इसकी बुक वैल्यू 200 है, तो मैं कहता मैं तो अभी 200 में नहीं खरीद सकता, 50 रुपए दूंगा देना तो बताओ, मैं कहता चले आप दे 50 ही दे, तो एग्रीड वैल्यू हो गई 50। मैंने ऑफर जो किया था बुक वैल्यू 200 था, लेकिन एग्रीड वैल्यू कितनी हो गई 50, तो एंट्री भी तो 50 सी होगी। तो यहाँ देखो दो दो वैल्यू दी, बुक वैल्यू एंड एग्रीड वैल्यू, तो बुक वैल्यू आपके किसी काम का नहीं है, आपको ये एग्रीड वाली वैल्यू लेनी है, तो ये वाली वैल्यू आपके काम की तो रही नहीं, तो ये वैल्यू आप कंसीडर करके ये सारे एसेट्स लायबिलिटीज आपने खरीदा, और परचेज कंसीडरेशन देखो जो गिवन है 7 लाख का, तो पहली एंट्री कर लोगे गुडविल या कैपिटलिज्म निकल जाएगा, कर लोगे आप, और दूसरा पेमेंट कैसे करना, तो 2 लाख चेक से पे किया, बाकी के बदले 20 वाला डिवेंचर दिया 25% के प्रीमियम पे, तो अगर मैं दूसरी पहली एंट्री कर लोगे सारे एसेट्स डेबिट, लायबिलिटीज और कैपिटल गुडविल जो भी निकलेगा, ये 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। दूसरा 7 लाख पेमेंट करनी है, 2 लाख चेक से किया तो 5 लाख बच गया, 5 लाख के बदले 20 वाला दे रहे हो डिवेंचर 25% प्रीमियम, यानी 25 के रेट से दे रहे, तो 5 लाख डिवाइड बाई 25, तो 20,000 आपके नंबर ऑफ डिवेंचर आ जाएंगे। बाकी सारी एंट्रीज आप करना, जैसे मुझे समझाना था टॉपिक, तो समझाने के लिए बस यही था कि यहाँ पे बुक या बुक वैल्यू और एग्रीड वैल्यू दो दो वैल्यू अगर दी गई है तो आपको जो कंसिडर करना है वो बुक वैल्यू को करना है। क्लियर बात यहां तक, आगे बढ़ते हैं। देखो ये एक टॉपिक और रह गया था, इसमें वो डिस्कशन कर लेते, बहुत ही आसान सा टॉपिक है, ये टॉपिक है इशू ऑफ डिवेंचर्स फॉर सर्विसेज, जैसे शेयर्स में हमने पढ़ा था सेम यहाँ भी है, तो दो सर्विसेज के बदले आप डिवेंचर इशू कर सकते हैं, पहला प्रमोटर्स को, प्रमोटर जो बिजनेस को प्रमोट करते हैं, तो प्रमोटर्स को अगर आप शेयर डिवेंचर इशू करो तो एंट्री क्या होगी, तो इसकी एंट्री होती है इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू प्रमोटर्स, प्रमोटर्स अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर्स। वैसे ही दूसरा अंडरराइटर्स होता है, अंडरराइटिंग कमीशन जिसको हम देते हैं, तो उसको अंडरराइटिंग कमीशन देंगे तो उसकी क्या एंट्री होगी, तो उसकी एंट्री होगी अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडरराइटर्स, और अंडरराइटर्स अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिविडेंड। देखो दो एंट्री में दिखाई है, पहला है प्रमोटर को इशू करने का प्रीमियम एक्सपेंस, आप चाहो तो लिख सकते हो, तो ये भी लिख सकते हो इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस टू प्रमोटर और प्रमोटर टू परसेंटेज डिविडेंड। वैसे दूसरा अंडरराइटिंग कमीशन के बदले देंगे, अंडरराइटर को इशू करेंगे तो अंडरराइटिंग कमीशन टू अंडरराइटर और अंडरराइटर टू परसेंटेज डिविडेंड। तो सर्विसेज के बदले क्वेश्चन आएगा तो सीधा सीधा होगा, आपको दो एंट्री करके दिखा देनी है बस, जब बोलेगा प्रमोटर्स को तो ये दो एंट्री हो जाएगी, जब बोलेगा अंडरराइटर्स को तो ये दो एंट्री हो जाएगी। मैं आपको इसके ऊपर क्वेश्चन भी दिखा देता हूं, देखो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन को पढ़ो, देखो क्या क्या बोला गया है। तो दिखा गया है ग्रॉन लिमिटेड इशू 510% डिवेंचर्स ऑफ 1000 ईच, देखो 500 डिवेंचर 1000 का एक, यानी 5 लाख का डिवेंचर इशू हुआ है, किसको हुआ भाई, फुली पेड टू प्रमोटर्स, तो 5 लाख का डिवेंचर हमने प्रमोटर्स को इशू किया, कब एंट्री कर दोगे, इन कॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू प्रमोटर्स 5 लाख, और प्रमोटर्स अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर्स 5 लाख, खत्म, आसान है। वैसे देखो आगे लिखा है एंड 1000 डिवेंचर्स ऑफ 1000, यानी 1 लाख का और हो गया इशू, और किसको इशू है ये भाई, तो ये इशू है फुली पेड टू अंडरराइटर टुवर्ड्स देयर कमीशन, तो इसकी एंट्री हो जाएगी, आपको पता चल गया 1 लाख का हमने डिवेंचर इशू किया अंडरराइटर को, तो अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडरराइटर्स, अंडरराइटर्स अकाउंट डेबिट टू, इसी के साथ आपको क्वेश्चन हो गया खत्म। तो ये बहुत ही आसान सा एक टॉपिक है, सर्विसेज के बदले आ जाएगा तो आप करते हो, ठीक है, इतना ही आज के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।